प्यारे विद्यार्थियों, आज स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक या प्रकरण है शुभंत और तिगंत। शुभंत और तिगंत यहाँ बात करें तो शुभंत क्या होते हैं और तिगंत क्या होते हैं, शुभंत प्रत्ययों के बारे में और तिगंत प्रत्ययों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शुभंत सुप धन अंत जसत्व संधि होती है, इसमें सुप धन अंत यहाँ लिख देता हूँ, जैसे देखिए समझने के तौर पे सुप धन अंत पै का अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो रहा है पै फे बे, तो बे होने के कारण ये कौन सी संधि हो गई, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होना कौन सी संधि है, जलाम जसो अंते सूत्र से जसत्व हल संधि है, ठीक है। इसके बाद इधर बात करें हम तिगंत की, तो इसमें होगा तिक धन अंत तिक धन अंत तिगंत। अब यहां पे बात करें हम ये तिगंत कैसे हुआ, ध्यान दीजिए इसमें अनुनासिक संधि है, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो रहा है ये के खे गे घे ने ने के खे गे घे ने, तो बाद वाले वर्ण का ही उच्चारण की दृष्टि से हो रहा है, इसलिए इसमें अनुनासिक संधि है, सॉरी अनुनासिक संधि भी कह सकते हैं, परसवर्ण संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें, अब शुभंत होते कितने हैं, शुभंत प्रत्यय होते कितने हैं, तो ये ध्यान रखना शुभंतों की संख्या है कितनी है 21 और तिगंतों की संख्या है 18। इधर देखिए, उससे पहले इस सूत्र को समझिए, सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम ये क्या कौन सा सूत्र है, ये पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। क्वेश्चन आ जाए पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो यही आपको जवाब देना है सुप तिगंतम पदम, ठीक है। पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र लिख देता हूं मैं, पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, शुभंत शुभ तिगंतम पदम, ठीक है। प्रश्न आ जाता है पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो यही आपको ढूंढना है सुप तिगंतम पदम। अब शुभंतों की संख्या, शुभंत प्रत्यय कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है 21 आपको दे रखा है, शुभंत पदों की सॉरी प्रत्ययों की संख्या कितनी है 21, शुभंत प्रत्ययों की संख्या है 21 और तिगंत प्रत्ययों की संख्या आ जाए तो 18। ये 18 कैसे, देखो ये शुभंत प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों में यानी संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, और तिगंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया या धातु पदों के साथ। अब क्रिया या धातु कितने प्रकार की होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन सी, देखिए परस्मै पदी धातुएं और आत्मने पदी धातुएं, ये 2 प्रकार की तो ये हैं, और बात करें तीसरी कौन सी, तो उभय पदी धातुएं, तो परस्मै पदी धातुएं उनके प्रत्यय हो गए 9 और आत्मने पदी धातुओं के हो गए 9, तो 9 और 9 कितने हो गए टोटल 18। यदि आ जाता है प्रश्न सुबंत और तिगंत सभी प्रत्ययों को मिलाकर के कुल संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, कितनी होगी 41 यानी 41 यानी 39, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको शुभंतों की संख्या 21 तिगंतों की संख्या 18। अब ये होते कौन कौन से हैं, तो पहले बात करते हैं हम शुभंत, शुभंतों की संख्या कितनी है 21 एकविंशती, देखो यहाँ पे एकविंश कह दीजिए, एकविंश यानी 21, शुभंत मैंने आपको इधर लिख रखा है, ये संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं, किनके साथ, संज्ञा शब्दों के साथ। अब ये प्रत्यय हैं 21, गिन लीजिए विभक्तियाँ कितनी होती हैं 7, वचन कितने हैं 3,
तो 7 गुणा 3 करेंगे तो टोटल कितने प्रत्यय हो जाएंगे सुबंतों में? 21। कौन कौन से देखो, शु ओ जस लिख रहा है आपको, शु ओ जस अम ओट सस टा भ्याम भीष डे भ्याम भेष डसी भ्याम भेष नश ओष अम नी गी भी बोल सकता है इंगी इंगी ओष सुप। तो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, शु ओ जस अम ओट सस ता भ्याम भेष विष सॉरी विष गे भ्याम भेष गे भ्याम भेष घसी घसी भी नहीं बोल तो अंगसी बोल दो अंगसी भ्याम भेष अंगस ओस आम इंगी ओस सुप। तो बोलने का अलग अलग तरीका है बहुत से, इनको पढ़ने के ये गे बोलता है इंगे बोल दो या गे इंगे गे ध्यान रखना इंगसी अंगस इंगी ठीक है इस तरह से बोलते इनको। तो दोबारा से देख लीजिए, शु ओ जस देख लो बोर्ड पे, इनको सुप क्यों कहते हैं सुप सुबंत, तो देखो शु ये शु और अंतिम पे शु को और पे को मिला दो तो क्या हो जाता है सुप, क्या हो जाता है सुप। तो यहां दोबारा से मैं बोल के बता रहा हूं, देखिए शु ओ जस बोर्ड पे लिख रहा है अम ओट सस टा भ्याम भिष गे भ्याम भेष गची अंगसी अंगसी बोल दीजिए अंगसी ये रहा अंगसी या नशी भ्याम भेष आगे अंगश ओश आम इंगी ओश शुप। तो 21 प्रत्ययों को आप ध्यान में रखेंगे, ये 21 प्रत्यय हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है 21। एक बार और लास्ट बार बता रहा हूँ, सु ओ जस अम ओट सस टा भ्याम भिष डे भ्याम भेष ढसी भ्याम भेष ढस भ्याम सॉरी ढस ओस आम और इंगी ओस सुप। अब बात करें हम तिगंतों की, किन की बात करें तिगंत, ये धातुओं के साथ लगते हैं। तो धातुओं के साथ ऐसी धातुएं जो परस्मयी पदी धातुएं होती हैं उनमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं उनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने देखो इधर 9, और आत्मने पदियों में उनकी संख्या भी प्रत्ययों की कितनी बताई थी 9। तो तिगंत प्रत्ययों की संख्या 9 + 9 = 18 कितनी 18। तो बात करें यहाँ पे देखिए तिगंत प्रत्ययों में जो ऐसी ऐसे प्रत्यय जो परस्मयी पदी धातुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं, तिप तस जी सिप थस थे देख लो, तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस मिप वस मस। तो दोबारा से देखो, तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस, ये न हो गए। तो तिगंत प्रत्यय जो परस्मयी पदी धातुओं के साथ लगते हैं उनकी संख्या है 9, कितनी है 9, और वो कौन कौन से हैं, तिप तस इधर देख लो बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस। अब बात करें हम तिगंत में आत्मने पदी धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, देखो आत्मने पदियों में, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर परस्मयी पदी क्या होता है आत्मने पदी क्या होता है, परस्मयी पदी ऐसी धातुएं जो दूसरों के लिए प्रयुक्त होएं वो परस्मयी पदी, और जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होएं वो धातुएं होती हैं आत्मने पदी, ठीक है। तिगंत प्रत्यय जो आत्मने पदी धातुओं के साथ लगते हैं वो उनका उनकी संख्या कितनी है, मैंने आपको ऊपर भी कितनी बताए 9, परस्मयी पदी में भी 9 और आत्मने पदी में भी 9। तो कौन कौन से हैं देखो, ते आताम झे देखो, ते आताम झे थास आथाम द्वयम
इट वहिंग महिंग, इट वहिंग महिंग, दोबारा से देखो, ते आताम झे, थास आथाम द्वयम, और इट वहिंग महिंग। क्लियर? आराम से उतार सकते हैं देख देख के, स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको उतार सकते हो। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, आत्मने पदियों के तिगंत प्रत्यय, ते आताम झे, थास आथाम द्वयम, और इट वहिंग महिंग। अब दोबारा से बात करते हैं हम, सुबंतों की संख्या कितनी बताई मैंने, 21। कितनी बताई? 21। सुबंत प्रत्ययों की संख्या बताई हमने 21। शु ओ जस, देखो बोर्ड पे, शु ओ जस, अम ओट सस, टा भ्याम भिष, ने भ्याम भयस, ढसी भ्याम भयस, ढस भ्याम ढस ओस आम, और इंगी ओस सुप। ठीक है, अब बात करें हम तिगंत की। ये परस्मै पदी धातुओं के साथ लगते हैं, इनकी संख्या 9। तिप तस झी, तिप तस झी, सिप थस थे, मिप वस मस। तिप तस झी, सिप थस थे, और मिप वस मस। अब आत्मनेपदी की बात करें, समझाएंगे अभी आपको कैसे कैसे यूज होते हैं ये। ते आत्मनेपदी में देखो, ते आताम झे, थास आथाम द्वयम, और इट वहिंग महिंग। क्लियर प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं कि ये काम कहाँ आते हैं। कोई भी संज्ञा शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द है राम, राम के शब्द रूप आप छोटी कक्षाओं से लेकर ही पढ़ते हो, राम है राम राम रामम राम रामान रामेण रामाभ्याम राम, इस तरह से पढ़ते हो। तो राम है आपने जो बोला, राम है, उसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? शु, ध्यान देना। रामऊ में क्या लग रहा है? औ। और रामहा में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? जस। ये इस तरह से आपको समझना है, राम है रामऊ रामहा, जैसे मैंने लाइन बोली तो प्रथमा विभक्ति है, ये विभक्ति देख लो, ये प्रथमा है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये प्रथमा हो गई, ये द्वितीया हो गई, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, पंचमी षष्ठी और सप्तमी। तो मैंने बोला राम है रामऊ रामहा, तो शु राम है में कौन सा? राम धन सु प्रत्यय करेंगे तो राम है बनेगा, ध्यान रखें। ठीक है, कोई सा भी शब्द हो, संज्ञा शब्द हो, जिनमें आपको ये 21 प्रत्यय जरूर लगे पाएंगे। पूछ ले जैसे राम है में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कौन सा प्रत्यय बताना है? शु। रामऊ में औ, और रामाह में जस। रामम में अम प्रत्यय है, रामऊ में ओट है, और रामायण में सस। रामेण में टा प्रत्यय है, रामाभ्याम में भ्याम प्रत्यय है, और रामई में भिष प्रत्यय है। रामाय में इंगे प्रत्यय है, रामाभ्याम में भ्याम प्रत्यय है, और रामेभ्यम में भयस प्रत्यय है। रामात में अंगसी प्रत्यय है, रामाभ्याम में रभ्याम प्रत्यय है, और रामेभ्यम में भयस प्रत्यय है। आगे देखो, रामस्य में अंगस प्रत्यय है, और रामयोहो ओस प्रत्यय है, और रामानाम में आम प्रत्यय है। रामे में इंगी प्रत्यय है, और राम रामयोहो ओस प्रत्यय है, और रामे सु लास्ट में जो बचता है उसमें सुप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? सुप। इस तरह से कोई सा भी संज्ञा शब्द हो तो आप 21 प्रत्ययों को छांट सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसे हमने बोला था कि रामात शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए, कौन सा सुबंत प्रत्यय है, तो आपको इधर रामात में पंचमी भक्ति एक वचन है, तो पंचमी एक वचन पे चले जाओ, अंगसी, कौन सा है? अंगसी। ठीक है, इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हो। जैसे हम परस्मै पदी पढ़ते हैं, देखिए इधर धातुओं की बात करते हैं, हम धातुओं पे जाएं हम, तो धातुओं में जो ऐसी धातुएं जो परस्मै पदी होती हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कक्षा 6 से लेकर छोटी कक्षाओं से 6 से मानो,
तो कक्षा छह से ही मानिए आप परस्मै पदी धातु में पढ़ते आओ, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं तीते अंति सीते थे आमी आवे आमे, कोई सा भी धातु रूप हो ध्यान रखें, कोई सा भी धातु रूप हो तो उनमें ये नौ प्रत्यय लगते हैं, कोई सा भी धातु रूप हो ध्यान रखना अलग अलग लगेंगे, और कोई सा ही लकार हो लकार में यही प्रत्यय रहेंगे, कौन कौन से परस्मै पदी में, तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस, कैसे आपने पढ़े थे छोटी कक्षाओं में, जैसे पठ धातु है तो आपने पढ़ा था अति अत अंति असी अथ अथ आमी आवे आम लगाया था, पठती पठते पठंती, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, पठती पठते पठंती पठसी पठते पठत पठामी पठावे पठामे, तो ध्यान दीजिए जहां आप पठती बोल रहे हो ये प्रत्यय लग रहा है, पठती पठते है ये प्रत्यय लग रहा है, पठंती जी प्रत्यय लग रहा है, पठसी सिप प्रत्यय लग रहा है, पठते है थस लग रहा है, और पठत थे प्रत्यय लग रहा है, पठामी मिप प्रत्यय लग रहा है, पठाव पठावे है वस प्रत्यय लग रहा है, और पठामे मस प्रत्यय लग रहा है। प्यारे विद्यार्थियों इन बातों का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। आगे बात करें आत्मने पदी की, आत्मने पदी में आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आप जानते नहीं हैं कि आत्मने पदी क्या होती है, सेव याच लव व्रत ये धातुएं कुछ हैं जो आत्मने पदी धातुएं हैं। अब इनके रूप ऐसे नहीं चलेंगे जैसे मैंने बताया अभी, वो तो परस्मै पदी के बताए थे, इनमें लगता है ध्यान दीजिए दोबारा से, अते अते एते अन्ते असे एथे एधे ये अध्वे और ए आवहे आमहे, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ध्यान दीजिए, अते एते अन्ते असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, ये आत्मने पदी धातुओं में ये लगते हैं, ये शब्द हैं ध्यान दो, कुछ अंत में शब्द लगते हैं याद करने के तौर पे बता रहा हूँ, अते एते अन्ते असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, जैसे सेव धातु है, माना कि सेव धातु, सेवते कैसे बनेंगे, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवद्वे सेवद्व, ध्यान देना दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेव से सेवद्वे सॉरी सेवत्वे सेवेथे ऐसे बनेगा, सेवेथे सेवद्वे और सेवे सेवावहे सेवामहे, तो इनको मैं एक बार लिख के बताऊंगा आपको जिससे कि, तो देखिए विद्यार्थियों मैं अभी आत्मने पदी के बता रहा था सेव के, तो यहां पे ले लेते हैं अपन सेवते, देखो कैसे चलते हैं इसके, अते लग रहा है कि नहीं लग रहा, सेवते सेवेते और सेवन्ते, यह आत्मने पदी धातु है, सेव से चौक सेवे थे और सेवद्वे लटलकार में है ये, और सेवे सेवा वहे और सेवा महे, तो प्यारे विद्यार्थियों ये लटलकार में जो मैंने लिखा है आत्मने पदी धातु का लटलकार ध्यान रखना, सेवते सेवेते सेवन्ते सेव से सेवेथे सेवद्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे, तो यहां पे आपको ये जो सेवते है इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तय, सेवेते में आताम और सेवन्ते में जय, सेव से में थास, सेवदे सेवेथे में आथाम और सेवद्वे में द्वयम, सेवे में देखो इधर इट और सेवा वहे में वहिंग और सेवा महे में महिंग, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट बार एक बार और बता रहा हूँ मैं, सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 है, सु ओ जस अम ओट सस, देख लो इधर ताभ्याम भ्यस भिस, ताभ्याम भिस गे भ्याम भिस भैस सॉरी गे भ्याम भैस
घसी भ्याम भैस और घस ओस आम और इंगी ओस सुप। जिस तरह से आप याद कर सके वैसे याद कर लेना, ठीक है। इनकी संख्या है 21 और आत्मने परस्मै पदी में तिबंत प्रत्ययों की संख्या 9 और परस्मै पदी में 9 और आत्मने पदी में भी 9। तिगंत प्रत्ययों की संख्या टोटल 9 और 9 कितने हो गए, 9 प्लस 9 18। टोटल कितने सुबंत और तिगंत को मिलाकर के टोटल प्रत्यय कितने हुए, 39, ठीक है। अब बात करें परस्मै पदी में तिगंत की, तो तिप तस जी, देख लो तिप तस जी सिप थस थस थे, सॉरी तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस। आत्मने पदी में चलो, ते आताम जे थास आथाम द्वयम इट वहिंग और महिंग। इस तरह से आपको याद करना है, प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ सुबंत सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है और प्रत्येक धातु के साथ तिगंत प्रत्ययों का, या चाहे वो परस्मै पदी हो चाहे आत्मने पदी हो, प्रत्येक धातु के साथ तिगंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इनकी संख्या 18 है और सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 है, टोटल बोलें तो 39, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के